भाई सीरियल राधा मोहन में हमारी जो राधा है ना वो आ गई है फुल फॉर्म में। जी हाँ, इन्होंने पहले तो अपने परिवार को ढूंढ लिया और उसके बाद जो ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल थी जिन्होंने उनके परिवार को छुपा कर रखा था और टॉर्चर कर रही थी, बस उसके बाद जो उनकी धुनाई हो रही है, मतलब पुलिस वाले की धुनाई कर रही है, मतलब देखकर आप भी कहेंगे वाह राधा वाह। रानी जिसका नाम राधा है वो आज ना इस पुलिस अफसर को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, क्योंकि दामिनी ने इस पुलिस अफसर को इतने सारे पैसे दिए थे राधा के परिवार को मारने पीटने के लिए, यहाँ तक कि मोहन को किडनैप भी कर लिया गया था। पैसा सबसे बड़ी चीज होती है और वो हर सिक्का अपने हिसाब से उछाल लेता है। जहाँ पैसा गिरता है वहाँ चीजें और इंसान अपने आप बदल जाते हैं। बिल्कुल, तो हमारे जेलर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। यस, उसे पैसे मिले, उसे दामिनी ने बहुत सारे पैसे दिए और वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो गई। राधा को कहीं से मदद नहीं मिलने वाली थी। अब राधा जानती थी कि अपने परिवार को बचाने के लिए उसे ही कुछ करना होगा। कमिश्नर साहब का उसने सहारा लिया और देखिए कैसे इस ऑफिसर की धुलाई कर दी। पुलिस ना जनता की रक्षा करने के लिए होती है, लेकिन इस पुलिस ने तो सारी हदें पार कर दी केवल पैसों के लिए। पूरे परिवार को बंदी बना लिया। राधा के सब्र का बांध टूटा और जिसका असर क्या हुआ ये आप सबके सामने है। कमिश्नर साहब को भी ये पता चला कि उनके थाने में ऐसे पुलिस वाले भी काम करते हैं जो मासूमों के पीछे पड़े रहते हैं। मोहन का प्यार अब राधा के लिए और भी बढ़ गया है। अपने मोहन जी को राधा ने मोर की पंखुड़ी दी है। इतने दिनों से दामिनी का ये खेल चल रहा था, अब सबको पता चल गया है कि दामिनी किस बला का नाम है। दामिनी का तो सॉलिड पर्दाफाश होने वाला है फॉर श्योर। ये बात तो है, मतलब हाँ। जो हम इतने शरीफ लोगों को उसने किसी से कहकर इतनी पिटाई करवाई है। बहुत सालों तक दामिनी बहुत कुछ करती आई है और उस पे पर्दे पड़ते रहे हैं। हमारे सामने तो उसका असली चेहरा आ चुका है, लेकिन अब दुनिया के सामने, खास करके मोहन के सामने ये आना बहुत जरूरी था। राधा की वजह से उसका परिवार बच गया, राधा और मोहन का मिलन हो गया, लेकिन अब भी राधा के लिए आगे कड़ी परीक्षा है। वो कैसे वो हम आपको जल्द ही बताएंगे। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।